Why Reels Views Stuck? होता क्या है, जब भी तुम अपनी रील्स को अपलोड करते हो तो इंस्टेंटली तुम्हें व्यूज मिल जाते हैं 2000 या 3000, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं, नो व्यूज। ओके, तो मैं तुम्हें इस अकाउंट की बिगनिंग दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट रील की अगर हम बात करें तो वो हमने अपलोड करी थी July 29th, 2021, मतलब एक साल अभी होने वाला है। एंड तुम काफी सारे लोग बोलते हो कि हमारी रील्स की रीच नहीं बढ़ती, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी बिगनिंग आखिर किस तरह से रही है। सारे के सारे व्यूज स्टक पड़े हैं एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो 150 व्यूज और 5 लाइक्स, यहाँ पे 10 लाइक्स एंड यहाँ पे थोड़े बहुत व्यूज मुझे मिल चुके हैं। तो फिर मैंने एक गलती और कर दी, मैंने सोचा कि इस वीडियो के ऊपर अगर व्यूज आ गए हैं तो मैं यही वीडियो फिर से अपलोड करता हूँ, तो फिर मुझे रिजल्ट 0 मिले। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना, जिस वीडियो पर व्यूज अगर आते हैं तो उस वीडियो को तुमने री अपलोड बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड काफी सारी वीडियोज अपलोड करने के बाद मेरे चैनल की रीच बढ़ी है एंड धीरे धीरे मुझको समझ लगता गया कि व्यूज अब वीडियोस के ऊपर आ रहे हैं। तुम देख ही सकते हो उसके ऊपर 6K व्यूज हैं, 5K व्यूज हैं, 4K व्यूज हैं। तो पहली वीडियो मेरी ये थी जिसने एकदम से रीच पकड़ ली थी, एकदम से नहीं कह सकता, आज मैंने अपलोड करी और 2-3 दिन के बाद इसके ऊपर व्यूज प्लस लाइक्स आना शुरू हो गए थे और भी वीडियोस के ऊपर व्यूज आते गए। क्योंकि जब तुम्हारी एक वीडियो के ऊपर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं तो तुम्हारी जो पुरानी वीडियोस रहती है ना उनके ऊपर भी व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ग्रोथ। यहाँ पे तुम देख सकते हो 1.8 मिलियन व्यूज, 3.5 मिलियन व्यूज, 3.3 मिलियन व्यूज एंड इस अकाउंट के ऊपर जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है वीडियो वो ये रही जिसके ऊपर 60.4 मिलियन व्यूज और 4.2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 मेथड्स दूंगा जो कि तुम्हें अपने रील्स के ऊपर अप्लाई करने हैं ताकि तुम्हारे रील्स के व्यूज रुके ना। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? आगे जाके हो जाएगा ना। लेकिन उससे पहले आखिर रील्स के व्यूज रुकते ही क्यों हैं? अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जब भी तुम्हारी रील्स के ऊपर व्यूज 2000 या 3000 पहुंचते हैं तो उस टाइम पर इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम तुम्हारी रील्स को चेक कर रहा होता है कि आखिर ऑडियंस का रिएक्शन तुम्हारी रील्स के ऊपर क्या है। नाउ ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तुम्हारी रील्स में आखिर चेक क्या करता है? अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि तुम्हारी रील्स के ऊपर कितना ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है उस हिसाब से तुम्हारी रील्स के ऊपर व्यूज फेंके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने 10 सेकंड की रील बनाई और उसके ऊपर इंस्टेंट व्यूज आ गए 2000, तो 2000 लोगों ने आखिर उस रील को कितने टाइम तक देखा? 10 सेकंड की तुम्हारी रील है और 7 सेकंड तक लगातार लोगों ने उसको देखा, तो ऑडियंस रिटेंशन मतलब इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ लोगों का रिएक्शन इस रील के ऊपर अच्छा रहा है, हमें इसके ऊपर और रीच भेजनी चाहिए। एंड अगर तुम्हारे व्यूज वहीं पे रुक जाते हैं तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी रील इतनी काबिल नहीं है कि ज्यादा लोगों को दिखाई जाए। तो अगर हम अपने पहले मेथड की बात करें तो वो है क्वालिटी। तुम्हें अपनी रील्स की क्वालिटी को बिल्कुल भी लॉस नहीं होने देना है। तुम्हारी रील चाहे कितनी भी बेकार हो लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी हो ना तो तुम्हारी रील्स के ऊपर ना बंदे रुक जाते हैं। अब जिसके पास तो आईफोन है तो उसकी क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी, लेकिन जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो आखिर क्या करें? तो मार्केट में बहुत कुछ आ चुका है जो कि तुम्हारी वीडियोस को भी हूबहू आईफोन के जैसा बना सकते हैं। काफी सारे फिल्टर्स आ चुके हैं, लाइक ये फिल्टर का तुम इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम एंड्रॉयड यूजर हो। काफी ज्यादा क्वालिटी तुम्हारी रील्स की बढ़ जाती है। और भी कई सारे फिल्टर्स हैं, मैं गिने चुने फिल्टर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम जाके इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली मैंने तुम्हें एक मेथड बता दिया, बाकी के जो 2 मेथड्स हैं ना अगर तुम इन दोनों मेथड्स को इस मेथड के साथ जोड़ दो ना तुम्हारी रील्स के व्यूज कभी भी रुकेंगे नहीं। दूसरा जो मेथड है वो है ट्रेंडिंग ऑडियो। तुम्हें अपनी रील्स को ट्रेंडिंग ऑडियो पर अपलोड करना है। एंड नाउ ट्रेंडिंग ऑडियो आखिर तुम्हें कैसे मिलेगा? काफी ज्यादा बार मैंने तुम्हें बता के रखा है कि किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं ट्रेंडिंग ऑडियो को। बेसिकली मैं इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट्स तुम्हारे सामने बहुत जल्दी लाने वाला हूँ कि हाँ सच में ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करने से हमारे व्यूज बढ़ते हैं। तो क्वालिटी प्लस ट्रेंडिंग ऑडियो इज इक्वल टू धमाल। एंड द थर्ड वन इज एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरी कुछ रील्स जिस पर व्यूज काफी ज्यादा डाउन चल रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी रील्स भी हैं जिस पर व्यूज आ रहे हैं। इसके ऊपर 11.9 के व्यूज आए हैं, इसके ऊपर भी 18.7 के व्यूज आए हैं। एंड अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाली वीडियो जिसके ऊपर 139 के व्यूज है एंड इसके नीचे आऊं तो 73 के व्यूज है। तो इन दोनों वीडियोस में आखिर मैंने क्या इंप्लीमेंट किया इसके रिजल्ट्स में मुझे इतने व्यूज मिले? किया मैंने कुछ नहीं, सिर्फ मैंने इस वीडियो में एंगेजमेंट बढ़ाई है। सबसे पहले तुम्हें मैं बाकी वाली वीडियोस दिखाता हूँ जिन पर व्यूज कम है, लाइक ये, ठीक है, इसके ऊपर लाइक्स थोड़े कम है। इस वीडियो की अगर मैं बात करूं, ये भी तुमने वीडियो देख ली, ठीक है,
अब एक और वीडियो है, इसको मैं प्ले करता हूँ। इसके और भी 13K व्यूज हैं। तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, जो बाकी वाली वीडियोज हैं वो एक अलग टाइप की वीडियो है जिसमें मैंने एटीट्यूड टाइप कोट लिखा है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो ये एक इमोशनल वीडियो है जिसमें एक बच्चा खाने के लिए मांग रहा है और इसके ऊपर मैंने कोट लिखकर ये वीडियो डाल ली और इसके ऊपर मुझे व्यूज भी मिल गए अच्छे खासे। इसी के साथ मैं अगर एक और वीडियो दिखाऊं जो कि एक और इमोशनल वीडियो है लाइक ये, इसमें भी मैंने कुछ इस तरीके से कोट लिखा एंड थोड़ी इमोशनल टाइप वीडियो बनाई एंड तुम कॉमेंट भी देख सकते हो, इसकी वजह से मुझे इस वीडियो के ऊपर भी व्यूज आए। अभी मैं तुम्हें एक और प्रूफ दिखाऊंगा लाइक ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, ये भी दोनों इमोशनल वीडियो हैं लाइक ये, इसमें ये बंदा हैंडीकैप है। तो मैंने एक चीज अपने अकाउंट के ऊपर नोटिस करी है कि अगर मैं इमोशनल वीडियोस अपलोड करूँ ना तो मुझे इंस्टेंट व्यूज मिलने शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वीडियोस लाइक ये वाली वीडियो। इसके ऊपर थोड़ा एटीट्यूड वाले कोट है तो इसके ऊपर ज्यादा मतलब व्यूज नहीं आते हैं। जब तुम जे चीज अपने अकाउंट के ऊपर पता लगा लोगे ना तो कसम से तुम्हें कोई भी वायरल होने से नहीं रोक सकता। नाउ क्वालिटी प्लस ट्रेंडिंग ऑडियो प्लस एंगेजमेंट इज इक्वल टू रील्स वायरल, कहानी खत्म कर दी। लेकिन अगर तुम अपनी रील्स की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हो इफ यू हैव एंड्रॉयड तो ई वाली वीडियो देख सकते हो। ओके बाय।